गाइस मैं नॉर्मल यूट्यूब देख रहा था और यहाँ पे एक वीडियो दिखी मुझे जिसपे 50 फेमस इंडियन यूट्यूबर्स की कार है। लेकिन अज्जू भाई की गाड़ी है कही वही तो वही हम लोग को बिना पूछे खरीदी। हाँ अरे तेरे को क्यों पूछेंगे, ठीक है बताया ना अज्जू भाई ने गाड़ी खरीदी तो मुझे लगा मेरे भाई को भी बुला लेते साथ में देखेंगे कौन सी गाड़ी अज्जू भाई ने खरीदी। कलर अच्छा नहीं है बटी। ओके चलो स्टार्ट करते। ये फर्स्ट आई थिंक लोकेश गेमर की मुझे गाड़ी इंडिया के टॉप 50 गेमर्स की कार के बारे में आपको आज पता चल गया। ये नंबर देख वीआईपी 11 लाख की कार से लेकर 8 करोड़ की कार तक बात होगी। और जो नंबर 1 पर है उस गेमर के पास रोल्स रॉयस है। नंबर 50 पर है मॉडल, मॉडल के पास टाटा आर्या है जिसकी कीमत 3 लाख रुपए है। लगता है कोई और है कारों का इतनी सस्ती है। वैसे 10 लाख की हार्ले भी है ना, हार्ले रेटेड 3 बाइक भी है इनके पास। मारुति ब्रेजा है जिसकी ब्रेजा मारुति की सबसे ज्यादा पुराना मॉडल है। रचित यादव के पास सीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है। और रचित भाई कभी कभी गेम खेलते हैं, रचित भाई स्ट्रीमिंग ही करते हैं। ये एक फ्री फायर गेमर ये तो है मनीष के पास टाटा नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है। टाटा नेक्सॉन ईवी भी ब्लैक कलर मस्त है जिसकी डिमांड भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अच्छी भाई की देखने आ रहे हैं केतन के पास कौन से नेक्सॉन ही है ना, टाटा नेक्सॉन नेक्सॉन वो ऑल ब्लैक है ये मस्त है। नेक्सॉन इंडिया की सेफेस्ट ईवी गाड़ी अपने को भी लेनी चाहिए। और केतन भाई गेमिंग के साथ व्लॉगिंग भी करते हैं। नंबर 45 पे गॉड प्रवीण वाईटी, प्रवीण वाईटी एक बीजेपी है जिनके पास महिंद्रा कौन सी मरून कलर अलग है यार। इंडिया की सबसे एसयूवी में से एक है पायल गेमिंग। पायल के पास हैरियर है, थार खरीदी और हैरियर भी है शायद की है। और टाटा हैरियर है जिसकी कीमत 24 लाख यार। यस स्मार्टी हितेश के अधिकतर माइनक्राफ्ट जिनके पास भी महिंद्रा थार है जिसकी प्राइस आप जान ही चुके हो 17 लाख रुपए है। 17 लाख महंगी है। प्रो प्लेयर है एस्ट्रो तो रॉनी के पास आने वाली है। बराबर खतरनाक पता गया अब तो भी ये दिखती ये पीछे में भाई यार गमला लेके आया है देखा कौन सी वाली अपनी। और फोर्ज़ा होराइज़न खेलते हैं, फोर्ज़ा होराइज़न के पास ये जीप कंपास है 20 लाख रुपए की नहीं है। तूने झूठ बोला मुझे, मेरे से तूने लिए 36 लाख समथिंग। कितने लेते भाई, कितने लेते भाई? वो बोल रहा है झूठ, मैं नहीं लाख खाली हुए। देख लो जा गूगल कर, देख लो गूगल करते भाई इतनी सस्ती थार से सस्ती हो जाएगी ये। नहीं नहीं अपनी महंगी है। अच्छा मॉडल ऐसे इसमें टैक्स लगा ना 2-3 लाख टैक्स है। अच्छा, तो अपनी 32 लाख की है। 32 लाख की गाड़ी 32 लाख की है भाई। बंदा 20 लाख बोल रहा है यार। नहीं यार मैं डर गया, मतलब एक्चुअली अगर स्टार्टिंग प्राइस देख कितना है इसका 20 में अगर देंगे 20 तो स्टार्टिंग 20 से भी महंगी है ना, 22 हो जाता है टैक्स तो लगा ना तू पेट्रोल वगैरह और टैक्स की गाड़ी ज्यादा आ जाता है। नहीं यार महंगी अपनी महंगी मेरे को लगा भाई 20 में मिल रही इससे मेरे को फंसा दे भाई। दो ले लेंगे दो ले लेते आ जाओ नेक्स्ट। और गाइस एक ब्रेजा भी है और बाइक भी है। भेज दो क्या भाई, शो ऑफ करना इससे सीखे भाई ठीक है। इस जमाने में जीप कंपास की काफी डिमांड थी। नंबर 40 पर है अंतर्यामी गेमिंग। कौन सी स्कोडा? ये स्कोडा नहीं जिनके 4 मिलियन से भी ज्यादा। अरे इनके पास भी जीपी है। अरे बट ये इनके भी 20 ही बोल दिया है। अंतर्यामी भाई भी गाली देंगे कि भाई इतनी महंगी नहीं है। हो गया इज्जत ही नहीं है गाइस जीप कंपास की इज्जत ही। ऋतिक के पास एमजी जिसकी प्राइस है 22 लाख रुपए है। एमजी एक्टर आप हेक्टर लाना चाहोगे या क्रेटा? 22 की है शायद। जैश के पास होंडाई क्रेटा है जिसकी प्राइस 22 लाख रुपए है। एक्चुअली अज्जू भाई के पास पता है ना कौन सी? अरे उसका नाम क्या था? क्रेटा ही नहीं नहीं कौन सा है तो वो गाड़ी का नाम मुझे नहीं पता। अरे भाई भूल गया, पता था हुंडई की है। देखते देखते अज्जू भाई की कौन सी लिफ्ट भी आ गया है, दिखने में काफी दमदार है। बिंदास काव्या, बिंदास काव्या गाड़ी शायद गेम नहीं खेलती है। मुस्टैंग बिस्टैंग होगी करते हुए देख। एमजी एक्टर ही है, एक्टर ही है भाई, रॉनी जैसी है सबके पास। नंबर 35 पर है 8-bit मांबा, हेक्टर के पास भी यही हेक्टर ही है सबके पास। हाँ हेक्टर ही है ना सबके पास, हजारों से लेकर लाखों कलर मस्त है। शूज है इनके पास। लॉस गेमिंग,
लॉस गेमिंग बीजीएमआई पबजी चल तो नहीं वापस करिए गाइस इनके पास 22 लाख का राइट है क्रेटा भाई अपनी जीप सस्ती नहीं है ये सस्ती है क्रेटा की प्राइस निकल एक बार क्रेटा सस्ती है यार क्रेटा 16 17 की आती है यार नहीं नहीं इतने की आती है टॉप मॉडल सस्ती आती है टॉप का नहीं चल रहा है सिटी लगाएंगे तो ये भी आएगा ना इसका टैक्स भी आएगा तो अपने गाइड का कहा आएगा देख टॉप मॉडल एकदम 24 का है ये 22 बोल रहा है और जो ये है कौन सी वाली अपनी चीप कंपास वो अगर मैं सिटी लगाता हूँ अंधेरी लगाया 40 पे जाती है हाँ तो सबसे टॉप 40 पे वही तो मैं बोल रहा हूँ गलत मैं डर गया भाई कब से सस्ती कैसे हो गई इतनी मतलब हो गई तो अच्छी बात है भाई 33-32 बट एक्स्ट्रा प्राइस वही तो यार क्रेटा महंगी नहीं हो सकती है बहुत जीप से महंगी नहीं क्रेटा क्योंकि हम लोग वरना वो ले लेते नहीं नहीं लेते ना एक्चुअली क्योंकि जीप तो एक्चुअली जीप रेयर है थोड़ा ये कॉमन हो गई अभी 15-18 किलोमीटर अनग्रेजुएट गेमर ये फेमस फ्री फायर गेमर है जिनके पास टाटा है जिसकी कीमत 24 लाख रुपए है हैदर है उसके अलावा महिंद्रा थार भी इनके पास थार में है केस 2 पबजी और जीटीए 5 खेलते हैं इनके पास भी नहीं हैदर है बैज 99 के 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर ये सब मुझे लगता है अच्छा थार और ये भी हैदर है और दूसरी महिंद्रा थार दो दो थार है अरे ये नॉर्थ साइड पे सब लोग थार क्यों लेते हैं रोड वैसे मजा आता है इधर मुंबई में थार लेके कुछ बड़ी गाड़ी लेके फायदा नहीं है यहाँ पे छोटी पर है ओमेगा ओमेगा पबजी के प्रो प्लेयर है जिनके पास स्कॉर्पियो एन है ये भी पहली बार देख रहा हूँ किसी यूट्यूबर का श्रीमान लेजेंड अरे श्रीमान किया इनके पास टाटा सफारी देखने को मिल जाएगा इंडिया के फेमस गेमर है जिनके पास 26 लाख रुपए की टाटा सफारी जिन्होंने तो GTA 5 में भी सफारी चलाई है और उर्मिला चलानी सिखाई अल्ट्रॉन गेमिंग अल्ट्रॉन को आपने स्काउट मावी के साथ कई बार खेलते हुए देखा होगा सफाई नहीं अच्छा एक्सक्लूसिव जिसकी प्राइस 27 लाख रुपए है अदिटेक फेमस एक्सक्लूसिव होगी मुझे लगता है जो काफी छोटे हैं अभी और इन 22 लाख रुपए ये गाड़ी दिखने मस्त है खरीदी है साथ ही साथ एक बहुत एक्चुअली हम लोग यही ले लेते मतलब ऐसे टाइप की जो फीचर्स में अपने गाड़ी को ही ज्यादा है इशू क्या है ना ये गाड़ियां बहुत बड़ी हो जाती है बहुत बड़ी हो जाती नंबर 25 पर है अरुण मशेट्टी अचानक भयानक गेमिंग के नाम से है इनका चैनल इनके पास ओल्ड टोयोटा फॉर्च्यूनर है फॉर्च्यूनर 30 लाख रुपए है फॉर्च्यूनर एक्चुअली महंगी है काफी अच्छा खेला है सबसे महंगी है यार कैरी मिनाटी इसके पास फॉर्च्यूनर भी है फॉर्च्यूनर है जो 30 लाख रुपए की है असासिन गेमिंग ये BMW है शायद होराइजन 5 कहते हैं जिनके पास BMW X1 वो भी मॉडिफाइड एक तो मॉडिफाइड है हां नंबर भी VIP गोल्डी भाई के पास मर्सिडीज AMG इनका भी VIP नंबर है 444 खतरनाक है भाई हां ई क्लास आती है और उससे ऊपर एस क्लास आती है और तू कब गिफ्ट कर रहा है मुझे गिफ्ट चाहिए दे देखो तो गिफ्ट चाहिए दो गिफ्ट हाँ यार वो देख सबके पास है बड़ी बड़ी गिफ्ट ही उसने खुद से कराई खुद का चैनल चला तू कमा मैं चलाऊंगा तो इनका शू कलेक्शन अरे बीट चपाटी हिंदुस्तानी गेमर इनके चपाटी क्या चपाटी के पास जीएलबी है नहीं कब नहीं तुझे पता नहीं था मिठाई नहीं आई यूके से मैंने यूके में चपाती भाई को चीजें भेजी थी वो मिठाई नहीं मतलब ये जीएलबी वो तो वेंटो क्या थी वो वॉक्सवैगन की कोई तो थी ये स्कैम हो रहा है दिखा की प्राइस है 63 लाख रुपीस इस कार को मिनी लिए वो लेने वाले थे शायद से हां काफी सही देखने को मिल जाएगा आपको नंबर 20 पर है सोल नहीं ली थी हाँ ये BMW 3 सीरीज नहीं 5 सीरीज M5 तक की ये महंगी है ये बहुत गलत प्राइस है इससे भी महंगी है क्या 70-80 5 तक की है देखते ये तो गाइस लगभग 80 लाख तक ज्यादा इनके हिसाब से 530 आए वो बंदा बोल रहा है 65 की यार महंगी है गाड़ी यार सोल भाई रो देंगे ऐसे मत करवाए रहेगा भाई रो देंगे बोलेंगे इतनी महंगी गाड़ी ले रही सस्ता कर दे बंदा वही तो जिसकी मस्त गाड़ी 60 लाख रुपए 65 लाख रुपए में मर्सिडीज सी क्लास लाना चाहोगे या BMW 5 BMW मैं तो BMW मर्सिडीज से बेटर BMW लगती है मुझे तो गेमिंग ये देखो BMW Z4 रुपए की BMW ये कैसे रखी है अजीब जगह पे अब कुछ चुरा के उठा लेगा भाई 45 लाख रुपए की ऑडी ओके ऑडी भी मस्त थार भी थार सब लोग
और दोनों गेमर के पास ब्लैक कलर में है इनकी ऑडी। खतरनाक ऑडी। बात करते हैं स्काउट फोर्ड एएस गेमिंग लोकेशन। सबके पास फोर्ड, सबके पास टेक्नो के पास कब आई फोर्ड। इन सभी के पास मस्टैंग जीटी है। टेक्नो गेमर्स से कब लिया भाई। टेक्नो गेमर्स की गाड़ी किसी को नहीं पता है। है ही नहीं ना। हाँ ली भी नहीं होगी। ली नहीं है। एज भी कम है उनका। ली नहीं ना अब तक। इसकी प्राइस मुझे एक बार बोला था लेकिन उज्जवल भाई ने, ठीक है एक सीक्रेट बताता हूँ उनको, वो जी वैगन लेनी थी मर्सिडीज की ब्लैक में। मुझे लगता है लेंगे लैम्बोर्गिनी सियान लेके सीधा सियान। इंडिया में फिर एक या दो ही होंगी। गेमर्स के इंस्टा स्टोरी पर कई बार देखा गया है मस्टैंग चलाते हुए, शायद और किसी की भी हो सकती है। बाकी एएस गेमिंग के पास फॉर्च्यूनर और फॉर्च्यूनर प्लस अथॉरिटी है। के पास बीएमडब्ल्यू i8 भी थी और बीएमडब्ल्यू भी है। और मावी के पास स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर है। नंबर 11 पर है लाइव इंसान अभी तो दी थी ना। सियाज भी है और कुछ तो है और इसकी प्राइस है 80 लाख। 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भगा सकते हो। गाड़ी अच्छी बट महंगी है। ये एक साउथ इंडियन गेमर है जिनकी नई कार का नाम है बीएमडब्ल्यू i4। ये 80 से ऊपर है जो 190 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकती है। बहुत बढ़िया गाड़ी। और इनके पास मर्सिडीज ई क्लास भी 190 से भाग सकती है, लेकिन 190 तो बहुत कम है ना इतने प्राइस के लिए। 190 तो इलेक्ट्रिक गाड़ी हो पूरी। अच्छा इलेक्ट्रिक के लिए 90 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकती है। और इनके पास मर्सिडीज ई क्लास भी है। नंबर 2 पर है 420 ओपी। 420 ओपी गेमिंग के पास मकैन है जिसकी प्राइस है मकैन। ऋतिक रोशन के कलेक्शन में भी है। नंबर 8 पर है क्रोनटेन गेमिंग के पास 90 लाख रुपए की है। आई थिंक बीएमडब्ल्यू भी है ये मस्त ऊपर भी है इनके कलेक्शन में। नंबर 7 पर है इंडियन बैकपैकर X7 BMW ना। हाँ X7 और क्या है स्कॉर्पियो X7 स्कॉर्पियो। हाँ अभी स्कॉर्पियो भी है। स्कॉर्पियो लेके गए थे ना अभी। स्कॉर्पियो एन और थार भी है। नंबर 6 पर है रुशेंद्र सिन्हा। पोर्शे 718 बॉक्सर। पोर्शे क्या बॉक्सर है। 36 लाख रुपए। इसके पास भी है ना सौरव जोशी। हाँ हाँ खुल गया था फिर ये कार अपने आप ही चलकर ठुक गई। ये क्या था उनकी गलती थी ना उसमें। ऐसा होता है सनरूफ ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। फिर पोर्शे ने 718 बॉक्सर गिफ्ट कर दी। नंबर 5 पर है 8-bit था। पोर्शे 9 मिलियन है शायद। 9 मिलियन हाँ। जिसके कीमत लाख में नहीं बल्कि करोड़ों में जाती है। नंबर 4 पर है अंशु बिस्ट। हाल ही में पोर्शे 911 करीरा ये भी 2 करोड़ के ऊपर चलती है जिसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए। क्या गाड़ी है मैं खरीदी है इन्होंने। नंबर 3 पर है मदन ओपी। मदन ओपी ये इतनी महंगी नहीं है शायद। 72 लाख रुपए। ऑडी आदे इतनी महंगी नहीं। अभी डिसकंटिन्यूड है अभी नहीं मिलेगी तेरे को तो शायद इसलिए महंगी हो सकती है। हो सकती है। पोर्शे महंगी है मेरे हिसाब से। अन्ना के पास फेरारी सबसे महंगी 5 करोड़ 20 लाख रुपए की कार है। 1 करोड़ 42 लाख रुपए की ऑडी Q8 ये भी है। बीएमडब्ल्यू M2 पैसे पैसा छापते ये नहीं है क्या बोलते गेमर नहीं है। अच्छा ये इनका है मतलब ई-स्पोर्ट टीम है ना इनका तो वैसा है क्या। हाँ प्लस दूसरे बिजनेस 1 करोड़ 40 लाख रुपए महंगी गाड़ी है। इन्होंने मॉडिफाई भी करवाई है और बीएमडब्ल्यू की X5 भी है इनके पास और शायद ये बिजनेसमैन भी है। नंबर 1 पर है केजी डाकू। केजी डाकू ने भाई मुझे पता नहीं रॉल्स गोस्ट है जिसकी कीमत है 8 करोड़ रुपए। भाई साथ ही साथ अपने टेक्निकल गुरुजी भी पीछे रह गए। टेक्निकल गुरुजी डर चेंगे इनको देख के भी। और इंडिया के टॉप 10 कार कलेक्टर्स का कार भाई टेक्निकल गुरुजी कहां गए। अरे गेमर्स की थी मोस्टली ये देखो ना इंडियन गेमर्स की है गेमर्स की गाड़ी है। टेक्निकल गुरुजी गेमर ना टेक्निकल गुरुजी बोलेंगे सबकी मिला के एक ही गाड़ी भाई उनके पास P1 वगैरह है सबकी मिला के हो जाएगी भाई। ये देखो दोस्तों मेरे सोने के फोन पे हीरे का कवर ये मैं गरीबों में बांट दूंगा। मुझे लगा नहीं था अपनी गाड़ी आएगी लेकिन इतनी सस्ती मत बोलो। नहीं है सस्ती मत बोलो 30 चलो 30-32 टैक्स कम कर लेंगे। और भेजा भी है और बाइक भी है। बाइक का नहीं कलेक्शन क्यों पता है सब कुछ चोर आके चुरा लेंगे। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ऐसे हम लोगों ने टेम्पर्स के लिए ये रिएक्शन दिखा था। इस अज्जू भाई की गाड़ी नहीं हम लोगों ने स्टार्ट उसके लिए।
अपने वीडियो में क्लियर कट दिखती है, दिखा देना सबको। कहाँ पे? अरे अपने ब्लॉग वाले चैनल में दिखती है। हाँ। तो ये एंड लाइन है शायद। कौन सी गाड़ी? कौन सी गाड़ी? एंड लाइन ये। क्या नाम भूल गया हूँ मैं इसका? क्या भूल गया तू? क्रेटा ये पागल है क्या? एक हुंडई खोल। क्या ये हुंडई की एंड लाइन है? क्या नाम है वो गाड़ी का? कौन सी? क्रेटा एंड लाइन नहीं रही। आ तो क्रेटा एंड लाइन हो गया ना वो। वेन्यू वेन्यू मैं आप भी आ रहा है एंड लाइन। अच्छा वेन्यू है हुंडई की। वेन्यू वेन्यू भाई अज्जू भाई इतना खर्चा नहीं करेंगे। मारवाड़ी दिमाग नहीं मारे नहीं गुजराती गुजरात वाला दिमाग है फुल। तो वेन्यू है उनके पास, क्रिएटर नहीं हो। क्रिएटर बड़ी और भी। अच्छा वेन्यू वेन्यू सही सही सही। वेन्यू थोड़ी छोटी हो जाती है। यस गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे हम लोग रिएक्शन देंगे, कुछ भी करेंगे, मस्ती करेंगे। चैनल पे सब्सक्राइब करके रखना, लाइक देना।